नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संजीव डेसवर्क की जो कि क्लास अपनी 8th होगी, इसका मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। ये अपना जो संजीव डेसवर्क का मॉडल पेपर होगा, ये कंप्लीट बेस्ड ऑन द सिंपल पेपर 2023 और इश्यूड बाई RSCERT उदयपुर। आपके एग्ज़ाम कौन कराता है? RSCERT उदयपुर। आपके एग्ज़ाम का क्या नाम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपना विषय होगा सामाजिक विज्ञान, कक्षा अपनी 8th होगी। तो आपको PDF पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। आप समझना चाहें तो मेरे साथ अध्ययन करें, और अगर आप सिर्फ PDF से पढ़ना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ें। अब हम इस मॉडल पेपर को, प्यारे बच्चों, बड़ी ही सरल और सहज भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा सा लिख सकें। तो आपके एग्ज़ाम का नाम है, वह है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, और ये मॉडल पेपर है फर्स्ट अपना। अब हम हल करने वाले हैं मॉडल पेपर को। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 आपका पूर्णांक होगा। समय आपके लिए 2.5 घंटा होगा। आपके लिए कुछ निर्देश दिए हुए होंगे कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र, अपना नामांक अनिवार्यता लिखे। प्रश्न पत्र पे आपको रोल नंबर लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के साथ उत्तर के लिए दिए गए जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पे लिखने हैं। प्रश्न संख्या 19 होगा, वो मानचित्र वाला होगा। प्रश्न संख्या जो 20, 21, 22 और 23 का होगा, वो आपका आंतरिक विकल्प वाला होगा। आंतरिक विकल्प की बात हम लास्ट में करेंगे जब अपने ये प्रश्न आएंगे। खंड ए होगा। अब जो अपना प्रश्न है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एबसद वाले। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया, किसके लिए? इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने, या अंग्रेजी शासन ने इतिहास जो रिकॉर्ड था उसका प्रयोग किया था इतिहास का अध्ययन करने के लिए। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ये जगत महाराणा जगत सिंह सेकंड थे जिन्होंने हुरुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यह 121 करोड़ की जनसंख्या। याद हो जाएगा पर्यटन का अर्थ क्या है? तो भ्रमण हेतु जाना पर्यटन कहलाता है, घूमने के लिए जाना, भ्रमण के लिए जाना पर्यटन कहलाता है। सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? तो सामाजिक न्याय के लिए कानून बनाना भी आवश्यक है, तभी सामाजिक न्याय मिलेगा, कानून लागू करना भी। और जन चेतना, जनता में चेतना भी होनी चाहिए, कानून बनाना, कानून लागू करना, जनता में चेतना। तो इसके लिए उत्तर हमारा होगा उपयुक्त सभी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। वह ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की ओर चलेंगे, जो कि खंड अपना वह होगा। निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। भारत की स्वतंत्रता, घुमंतु कृषि, प्राच्यवादी शिक्षा और बाल विवाह एक तरफ, दूसरी तरफ काटो और जलाओ, कानूनी अपराध 1947 और संस्कृत भाषा। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में हुआ। घुमंतु कृषि कौन सी होती है? काटो और जलाओ, यानी जंगलों को काट कर जला दिया जाता है और फिर बीज उगाए जाते हैं, तो इसे कहते हैं काटो और जलाओ। प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा। बाल विवाह एक प्रकार का कानूनी अपराध है। तो ये अपने ऑप्शन मिलान हो गए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में
संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका जो कि न्याय करती है, यानी इनकी बनाए हुए कानून, लागू किए हुए कानूनों की समीक्षा करती है, वो होती है न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक जो संसाधन है वो शब्द से ही पता चलता है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और खनिज जो है वो प्राकृतिक संसाधन का ही उदाहरण है। आदिवासी शब्द का अर्थ मूलवासी है, वे जंगलों में निवास करते हैं। मूलवासी किसे कहते हैं? आदिवासी मूलवासी हैं और ये कहाँ निवास करते हैं? जंगलों में। जनसंख्या वितरण को भौगोलिक और आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। अब खंड स होगा अपना, जो कि लघुत्तरात्मक प्रश्न वाला होगा, खंड स को करेंगे। प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? प्रश्न अपना, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था और 19वीं सदी से पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो 19वीं शताब्दी से पूर्व आदिवासियों में जो प्रचलित गतिविधि थी वो थी झूम कृषि, यानी झूम खेती, पशुओं का शिकार करना और वन उत्पादों का संग्रह करना। वनों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनको इकट्ठा करना, संग्रह करना, पशुपालन तथा एक ही जगह खेती करना। ये 19वीं शताब्दी से पूर्व आदिवासी समूह द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधि थी। तो प्लासी का युद्ध हमने देखा सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और 19वीं शताब्दी से पहले जो आदिवासी समूह थे उनकी आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो झूम खेती करना, पशुओं का शिकार करना, वन उत्पाद संग्रहित करना, पशुपालन का एक जगह ही खेती करना, ये सब उसकी आर्थिक गतिविधि के साधन थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान कौन से थे? तो प्राच्यवादी शिक्षा कौन सी थी? संस्कृत भाषा, जिसको हमने ऊपर देखा, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोल, बुक नेथनिय होलैंड और वारेन हस्टिगन, ये प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों में थे। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की कौन सी दो विशेषताएं थी, ये बताना है। 17वीं शताब्दी में भारतीय सूती वस्त्रों में कोई दो विशेषता बताने, तो भारतीय सूती वस्त्र अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र यानी सूती जो कपड़ा था वो गुणवत्ता में अच्छा था, भारतीय सूती कपड़ा, और बारीक कारीगरी भी उस पर होती थी। भारतीय सूती वस्त्रों का दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी और मध्य एशिया में भारी व्यापार होता था, जो कि शिल्क मार्ग द्वारा होता था। 1857 की क्रांति के कारण, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में जब हम बात करें तो प्रमुख कारण था राजाओं और नवाबों की छिनती सत्ता। राजा और नवाब, इनकी जो सत्ता थी, शक्ति थी, पावर थी शासन चलाने की, वो अंग्रेजी शासन द्वारा छीनी जा रही थी। तो इनकी छीनी जाने वाली सत्ता शक्ति, किसान और जमींदारों पर भारी भरकम लगान से भी वो परेशान थे। नेक्स्ट है कंपनी के द्वारा भारतीय सिपाहियों की जो वेतन सेवा शर्त थी उनसे भी वो असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे। धार्मिक भावनाओं और आस्था पर भी ठेस पहुंचाई जा रही थी अंग्रेजी शासन द्वारा, और अंग्रेजों का भारतीयों से घृणा करना ये भी प्रमुख कारण था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वो है स्थाई बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल हो गई? स्थाई बंदोबस्त जो कृषि में एक प्रकार की व्यवस्था लागू की थी अंग्रेजी शासन ने, वो असफल क्यों हो गई ये बताना है। तो ये कहाँ लागू की गई और ये असफल क्यों ही? तो स्थाई बंदोबस्त प्रथा असफल रही क्योंकि कंपनी द्वारा निर्धारित जो राजस्व था वो बहुत अधिक था। जमींदारों ने जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी।
गांव के लोगों को ये जो व्यवस्था थी ये बहुत बुरी और दमनकारी दिख रही थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनके उदाहरण आपको बताने हैं। तो सबसे पहले गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो ये वो ऊर्जा हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, इनको पुनः बनाया जा सकता है। और जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ये धरती के नीचे एक लंबी प्रोसेस से बनते हैं और एक मात्रा से ज़्यादा अगर इनको निकाला जाए तो एक समय बाद ये ख़त्म हो जाती, फिर बनाई नहीं जा सकती। तो वो अनवीकरणीय संसाधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। इन स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, और होता भी है तो बहुत कम होता है। इन स्रोतों के उपयोग से परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने का खतरा भी कम हो जाएगा। गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोतों के उदाहरण पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। राजस्थान इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ सौर ऊर्जा को हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं, पवन ऊर्जा भी पवन चक्कियों से हम बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो है कृषि से आप क्या समझते हैं? कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम आपको बताने। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फल, सब्जियां और फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और यहाँ फल उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं और पशुपालन यानी पशुओं को भी पाल सकते हैं। कृषि से प्राप्त उत्पाद की बात करें तो गेहूँ कृषि उत्पाद है, चावल है, गेहूँ, जो चावल, ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योग यानी फैक्ट्रियां, उनकी अवस्थिति को, वो कहाँ स्थित होनी चाहिए, कहाँ लगाई जानी चाहिए, फैक्ट्रियां, उद्योग कहाँ लगाए जाने चाहिए, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो बताने। तो कच्चे माल की उपलब्धता, उद्योग वहीं लगाए जाएंगे जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, भूमि मिल जाए, जल आसानी से उपलब्ध हो जाए, श्रम यानी श्रमिक हैं वो सस्ते मिल जाए, मजदूर, शक्ति मिल जाए, पूंजी मिल जाए, यानी शक्ति यानी बिजली, पूंजी यानी पैसे, परिवहन और बाजार, परिवहन के साधन हो यानी अच्छी रोड बनी हुई हो, बाजार से वो स्थान है वो जुड़ा हुआ हो। तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जिनमें कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाएं। ये सब ऊपर वाले कारक हैं, ये आसानी से उपलब्ध हो जाएं, वहीं उद्योग लगाए जाते हैं। सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम बताने। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और एक है राजस्थान के प्रमुख वृद्ध उद्योगों का, हाँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये दो कृषि योजनाएं हैं। अब जो नेक्स्ट अपना प्रश्न है वो है कि राजस्थान के प्रमुख वृद्ध उद्योगों के उदाहरण, वृद्ध और लघु उद्योग। वृद्ध उद्योग यानी बड़े उद्योग, तो राजस्थान के बड़े उद्योगों के नाम लिखने। सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान का मानचेस्टर भी कहलाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग बड़ा उद्योग है यानी वृद्ध उद्योगों में आता है। सीमेंट उद्योग भी बड़े उद्योगों में आता है, शक्कर उद्योग भी बड़े उद्योगों में आता है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर और कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी और नागौर में नमक उद्योग भी वृद्ध उद्योगों में आते हैं। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंधन किए जाते थे? तो राजस्थान में दुर्ग सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जाते थे? तो सुरक्षा के लिए, दुर्गों की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर बना दिए जाते थे, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर दुर्ग बनाए जाते थे, या फिर गहरी खाइयों
के अंदर बनाए जाते थे या गहरी जो नदियों के किनारे भी बना दिए जाते थे ताकि कोई शत्रु सेना आसानी से नदी को पार करके किले तक न पहुंच सके। मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयां बनाई जाती थी जिसमें पानी भरकर जहरीले जो जंतु होते थे जीव जंतु उनको छोड़ दिया जाता था ताकि शत्रु सेना को रोका जा सके। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण बताना है। पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, तो जैसलमेर बाड़मेर ये पश्चिमी राजस्थान का मुख्य जिले हैं। तो पश्चिमी राजस्थान यानी थार का मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व है वो कम क्यों है, इसका कारण बताना है। तो पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश जो भाग है वो मरुस्थली है, दोरों की धरती है, बड़े बड़े टीले हैं, तो अधिकांश भाग मरुस्थली है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कठिन हैं, विकट है, तथा यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ न पानी की सप्लाई सही से है और गर्मियों में गर्म गर्म जो हवा चलती है वो जिसे लू कहते हैं, तो भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ विकट हैं और यहाँ आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है, इसलिए यहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है वो पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट अपना प्रश्न है। तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र यह है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार की या राज्य की एक ऐसी नीति जिसमें अपना राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, वह सभी धर्मों के साथ समान भाव का व्यवहार करें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि वो विधायिका और कार्यपालिका एवं सरकार न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती। स्वतंत्र न्यायपालिका की शक्तियां संविधान द्वारा दी हुई हैं। न्यायपालिका की शक्तियां संविधान ने प्रदान की, ये भी उसकी स्वतंत्रता से उसका तात्पर्य है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेगी। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका भी न्यायपालिका के कार्यों में दखल नहीं दे सकती। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो सरकार जनजाति आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जैसे इन वर्गों की को सरकार की ओर से मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और दूसरा हम बात करें तो सरकार व्यवस्था में निहित अस्पताल को ख़त्म करने के लिए कानूनों का भी इस्तेमाल करती है, सरकार व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए कानूनों का इस्तेमाल कर सकती है। आरक्षण की व्यवस्था इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण कानून है। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएँ बताइए। तो सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली दो जन सुविधाओं की बात करेंगे। आरक्षण व्यवस्था भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण कानून है। तो अब आप बताओगे कि राजस्थान में आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से है। सरकार की द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली दो जन सुविधाएं बतानी, महत्वपूर्ण जन सुविधाएं। तो सरकार नागरिकों को पीने हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाती है। सरकार द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों की व्यवस्था, ये सरकार की जन सुविधाएँ। अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत दिल्ली की ओर जाते एरिनपुरा के विद्रोहियों से मिले और इन सैनिकों को अपने साथ आहुआ ले गए। तो आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने यानी आहुआ, आसो, पालनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास के परगनों का जो संयुक्त सैनिक थे ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक जगह जो कि पाली में है,
कप्तान हिथकोट और जोधपुर के महाराजा उस समय थे तख्त सिंह, उनके नेतृत्व में एक संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। भिथोड़ा का युद्ध भी इसे कहते हैं। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास का कब हुआ? 18 सितंबर को, जिसमें मोक मेसन का सिर काट दिया जाता है और आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया जाता। किसका सिर काट कर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया? मोक मेसन का। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया और आहुआ विद्रोह को समाप्त कर दिया। प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अथवा वाला 1857 की क्रांति के असफलता के कारण हम जब देखें तो 1857 की असफलता के प्रमुख कारणों में निम्न है। अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया जा रहा था। कई राजा महाराजा ऐसे थे जो अंग्रेजों की तरफ थे। क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई, सभी जगह नहीं हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। क्रांतिकारियों के मध्य कुशल और संगठित नेतृत्व का भी अभाव था। इनके पास हथियार भी नहीं थे, अंग्रेजी सेना के पास हथियार थे। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था और इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के शासकों ने तांता टोपे का सहयोग नहीं किया। तांता टोपे एक जो क्रांतिकारी थे, उनका इन राजाओं ने सहयोग नहीं किया। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन होगा 6 नंबर का होगा, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन करना है। अपराध की जांच पुलिस किस प्रकार करती है वो बताना है, या न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो अपराध की जांच और पुलिस की भूमिका, अगर आपको एक ही करना है इनमें से, जो आपको बेस्ट आ रहा है वही करना है। अपराध की जाँच करने में पुलिस को महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार से होती है। पुलिस प्रथम सूचना, जिसको FIR बोलते हैं, दर्ज करती है। दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की जांच शुरू होती है। पुलिस की ये सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। सामान्यतः FIR में वारदात की तारीख, समय, स्थान, मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस जाँच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है और सबूत इकट्ठे करती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। सबूतों के आधार पे ही कानून कार्य करता है, तो पुलिस कानून की एक कड़ी है, उसी के अनुसार काम करती है। अगर पुलिस को सबूतों से जांच का दोष साबित हो जाए, सबूतों में साबित हो जाए कि दोष है, तो वह आरोपी को गिरफ्तार कर, यानी जो आरोपी है वो दोषी है, तो वो 24 घंटे के भीतर अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है पुलिस। गिरफ्तार, हिरासत या पूछताछ के दौरान पुलिस को किसी भी तरीके से सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं देती। यानी कानून में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो गिरफ्तारी, हिरासत के दौरान, या कहेंगे पूछताछ के नाम पर किसी को सताए, पीटे या गोली मार दे। पुलिस किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी किसी को सजा नहीं दे सकती। ये तय करना पुलिस का काम नहीं है कि आरोपी दोषी है या नहीं। ये न्यायाधीश का कार्य है कि आरोपी दोषी है या नहीं है। तो पुलिस FIR करती है और फिर जो आरोपी है उससे संबंधित जो भी सबूत हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आशय क्या है? तो न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आशय कई बातें इसमें शामिल होती हैं। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे संचालित करते हैं। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में सरकारी वकील निष्पक्ष रूप से अपना काम करें और अदालत के समक्ष सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करें। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनकर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष भी तरह के प्रस्तुत किए सबूतों की जाँच करें। उसके आधार पर कानून के अनुसार ये निर्धारित करें कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है।
अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं, और अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसे आरोप से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार निष्पक्ष सुनवाई से आशय है किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के जुरा द्वारा ही या जरिए ही छीना जा सकता है। मृदा संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? मृदा संरक्षण यानी मृदा की जो गुणवत्ता है उसको बचाए रखना, बनाए रखना। वनों से क्या लाभ है? विस्तार पूर्वक लिखिए, बड़े सरल प्रश्न है। मृदा संरक्षण के उपाय देखेंगे। पहले हम मृदा की क्वालिटी है, मृदा की जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं हो, उसे कैसे बचा सकते हैं हम? इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ सवाल से ढक दी जाती है, और इस विधि से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वैदिका फॉर्म, इस विधि में चौड़े समतल सोपान और वैदिका जो तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, और इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो। समुच्चय रेखीय कृषि, मृदा अपरदन रोकने की ये विधि पहाड़ी ढालों में काम आती है, और समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं बना सकते हैं, समुच्चय रोधिकाएं बना सकते हैं, और चट्टान बांध भी बना सकते हैं मृदा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए। बीज की फसल उगाना, ये भी विधि काम में ले सकते हैं। अथवा का जो प्रश्न है वो वनों के लाभ से संबंधित है। वनों में वनस्पति और वन्य जीव महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, और इससे हमें महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी और आश्रय और ऑक्सीजन की प्राप्ति। पेड़ पौधों से ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, आश्रय यानी वन्य जीवों को आश्रय प्राप्त होता है। जैसे हमारे लिए घर होते हैं तो जंगल होते हैं, वन होते हैं, वो वन्य जीवों के लिए घर के समान है। वो वन वन काट दिए जाएंगे तो उनके आश्रय का है वो नहीं बच पाएगा। मृदा और जल संरक्षण में भी वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फल तथा अन्य पदार्थों की प्राप्ति में भी, इससे पेड़ पौधों से हमें फल प्राप्त होता है। लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे भी वनों से प्राप्त होते हैं। कागज प्रदान, पेड़ों से कागज बनता है। औषधि यानी दवाइयों के रूप में वनों के जीव जंतुओं से प्राप्त पदार्थ वन्य जीवन से। अन्य लाभ जैसे मधुमक्खी के कीट से हमें शहद प्राप्त होता है, फूलों के पराग से भी, और कई प्रकार के औषधीय पौधे यहाँ हमें मिल जाते हैं। जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो जन राष्ट्रवाद से आशय है कि किसी देश की आम जनता में इस भावना का उदय होना कि ये देश यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा और लिंग वाले सभी लोगों का घर है, और ये देश और उसके सारे संसाधन, उसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है, यानी देश के लिए एक होने का भाव, देश के लिए मर मिटने का भाव। भारत की जनता को इस जवाब के साथ यह एहसास सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के निवासी लोगों की जिंदगी पे कब्जा कर रहे हैं, और भारत में जन राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण जो हमें देखने को मिला समय, महत्वपूर्ण जो समय देखने को मिला वो मिला 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक। तो 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों ने और गहरा कर दिया था इसे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, और इसने सभी भारतीय लोगों को हक और उनकी ओर बोलने का संकल्प व्यक्त किया। भारतीयों के लिए अनेक मांगों को उठाया और अंग्रेजी सरकार के शोषण के विरुद्ध या स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष का धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए, और 20 के दशक में मजदूर और व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस में सक्रिय समर्थन देने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, और भारतीय व्यवसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध में से लौटे भारतीय सिपाही भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। 1917 रूसी क्रांति की घटना जो कि रूस में हुई थी, समाचारों और किसानों और मजदूरों में भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा को बढ़ावा मिला।
इस प्रकार भारत की समग्र जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा पैदा हुई और समूची जनता में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। भारतीय राष्ट्रवाद यानी देश के लिए मर मिटने का भाव, देश के लिए एक होने का भाव, जन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अथवा का प्रश्न आप कर सकते हैं, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका, तो महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। तो इससे पहले इसका मतलब गांधी जी कहाँ थे, तो गांधी जी ब्रिटेन से लॉ की डिग्री लेकर 1893 में भारत लौटे थे लॉ की डिग्री पूरी करके। लेकिन 1893 में एक केस उनके सामने आया, उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा। तो दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका एक महाद्वीप है, तो दक्षिणी अफ्रीका का चले गए थे गांधी जी और वहाँ से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए, उन्हीं को हम देखेंगे। किस प्रकार से अंग्रेजी शासन का गांधी जी ने विरोध किया। रोलट एक्ट एक कानून बना था, गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए गए रोलट एक्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह कर दिया और ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था। अंग्रेजों ने, गांधी जी ने लोगों के इस कानून का अहिंसक विरोध करने और हड़ताल करने का लोगों से आह्वान किया कि जो आंदोलन है वो हिंसक नहीं हो, अहिंसक हो। तो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उस समय हुआ 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया गांधी जी 1920 के लास्ट में, या 1921 से शुरू हो गया था और कहें कि 1921-22 के दौरान यह आंदोलन व्यापक हो गया। विद्यार्थी, वकील, शिक्षक सभी वर्ग इससे जुड़े हुए थे। लेकिन 1922 में एक महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, दुखद घटना हो जाती है, चोरा चोरी की घटना, जो कि चोरा चोरी उत्तर प्रदेश में था और इसी के कारण गांधी जी को इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में चलाया गांधी जी ने, इसे दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं, नमक आंदोलन भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद गांधी जी ने गांव-गांव में व्यापक सामाजिक कार्य किए और इससे कांग्रेस का जन आधार था वो व्यापक हो गया था, जनता तक ही इस कांग्रेस की पहुंच हो गई थी। 1930 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दांडी तक पहुँचे, यानी साबरमती से दांडी तक। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, और नारा दिया करो या मरो का। अंग्रेजी दमन चक्र के चलते हुए आंदोलन फैलता गया और ये एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। अंततः इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज के को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने संजीव डेसवर का मॉडल पेपर हल कर लिया। सेकंड मॉडल पेपर जल्द आपके सामने होगा, तब तक आप पढ़ें।